नमस्कार दोस्तों, बड़ा ग्राफिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम 15 अगस्त की बैनर की डिजाइन करने वाले हैं दोस्तों, जो कि सोशल मीडिया बैनर की डिजाइन है। तो यहाँ पे हमने इसका साइज रखा है 10x10 इंच में, और यहाँ से रेक्टेंगल टूल से हम इसका पेज सिलेक्ट कर लेंगे। और ये जो है ये प्रत्याशी हैं, और इसका आउटलाइन पेज कर लेते हैं 3 पॉइंट, और ये वाला जो इमेज है इनका इसके अंदर रखेंगे हम। इसके पावर के लिए पिन साइड कर लेते हैं अंदर करने के लिए, और इसे कंट्रोल दबा के अंदर जाएंगे और इसे हम सेट कर लेते हैं लेफ्ट साइड में। और ऊपर साइड में जो ग्राम सभा का नाम है इनका, उसको हम एक लाइन में करके ऊपर एक पट्टी बना देते हैं, और उस पट्टी में जो भी इनके ग्राम सभा का नाम है उसको उसी में फिल कर देंगे। इसे हम क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, क्लिप टूल से हम क्या करेंगे एक सर्कल बना लेते हैं, और इसी को हम पट्टी में कन्वर्ट कर लेंगे। और इसका कलर रख देते हैं हम थोड़ा ब्लू में आकर बैगनी कलर हल्का सा, और एक और इसमें हम कॉपी कर लेते हैं, इसमें देते हैं ग्रे कलर, और इससे हम कर लेते हैं येलो, थोड़ा सा इसे हम कर लेंगे छोटा। और इंपोर्ट करेंगे जो भी हमें लगाना है यहाँ पे बैकग्राउंड के तौर पे। तो हमारे पास हमने एक नेट से ये इमेज को हमने क्या किया है डाउनलोड किया हुआ है। अब इसे हम क्या करेंगे बैकग्राउंड के तौर पे इसे हम लगाने वाले हैं। तो इसे कर लेंगे राइट क्लिक और पावर क्लिप इनसाइड, इसे करते हैं पेज डाउन शिफ्ट के साथ, इसे हम थोड़ा खींच के बड़ा कर लेते हैं, और इसे ट्रांसपेरेंसी टूल से ऐसे ड्रैग करेंगे और ट्रांसपेरेंसी कर लेंगे, ताकि जो बैकग्राउंड है वो उसी में मिक्स हो जाए, यानी मिल जाए। फिनिश कर लेंगे, और नीचे एक पट्टी हमने पहले से ही बना चुके हैं, तो इसको हम पहले क्या करेंगे वहीं पर लेकर रख देंगे। और यहाँ से हमने बहुत सारे स्वतंत्रता दिवस का हमने लोगो पहले से तैयार कर लिया हुआ है, और यहाँ पर हम रखेंगे उसे। कॉपी कर लिया हमने, पेस्ट कर दिया है, इस वाले को हम ऐसे घुमा देते हैं, थोड़ा इसे हम बड़ा कर लेंगे इस साइड से भी। और यहाँ पे हमने कंट्रोल एक्स कर लिया है, और कंट्रोल भी कर लिया है, इसे पेज अप कर लेंगे। और जो हमने यहाँ पे तिरंगे के टाइप का पट्टी बना, इसी के अंदर हम क्या करेंगे नाम रखेंगे, नाम और मोबाइल नंबर, इसका कलर हम रखते हैं वाइट। कंट्रोल दबा करने जाएंगे, जो पट्टी है इसका थोड़ा हम साइज क्या करते हैं बढ़ा लेते हैं, तो इसे अनग्रुप कर लेते हैं, और F10 से ले लेंगे हम सेप टूल, ये वाला लाइन को हम कर देते हैं डिलीट। फिनिश कर देते हैं, अब पूरा जो है भरपूर जगह मिल चुका है। अब जो नाम है इसको हम अच्छे से सेट कर देते हैं, और जो प्रधान पद के भाई प्रत्याशी हैं यहाँ पे रखेंगे ये वाला, इसका कलर जो है प्रधान पद वाला जो बॉक्स का कलर है उसे हम क्या करते हैं कोई अलग कलर देते हैं, थोड़ा इसमें डार्कनेस कर देते हैं कुछ इस तरह के से। इसका कलर टेस्ट काम कर देंगे येलो, और भाई प्रत्याशी का वाइट कर देते हैं, कंट्रोल जी कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे इसे हम, और इसे हम रख देते हैं यहाँ पे ठीक नीचे ठीक ऊपर।
ताकि स्पष्ट समझ में आए कि हाँ प्रधान पद के ये प्रत्याशी हैं। और यहाँ से हम 15 अगस्त का कोई अच्छा सा लोगो यहाँ से ले लेते हैं, तो ये वाला लोगो अच्छा है, इसे हम कर लेंगे कंट्रोल सी और यहाँ पे कर लेंगे भी। और यहाँ पे हम रख देते हैं। और स्वतंत्रता दिवस का जो आउटलाइन कलर है इसको हम बढ़ाएंगे, तो इसके लिए हम करेंगे अनग्रुप और F12 प्रेस करके यहाँ से हम आएंगे 2 पॉइंट बियाइंड फिल कर लेंगे एंड ओके कर लेंगे। थोड़ा आउटलाइन बढ़ा लेते हैं, 3 पॉइंट कर लेते हैं, आउटलाइन कलर वाइट रखते हैं, इसका आउटलाइन और बढ़ाते हैं 8 पॉइंट कर लेते हैं, 8 पॉइंट सही है। और इसकी हार्दिक शुभकामनाएं का भी हम आउटलाइन कर लेते हैं 4 पॉइंट एंड देन ये हमारा सेट हो चुका है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। और यहाँ पे हम एक और लगा लेते हैं 15 अगस्त का, तो इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं ताकि जो इसकी बैनर की जो लुक है और ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा दिखे। तो इसे हम ग्रुप कर लेते हैं इसको। हम क्या करते हैं एक एक इंची कम कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक बॉर्डर दे देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से आएंगे फ्री हैंड टूल में और ऐसे एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें 3 कलर बनाएंगे, तिरंगे का कलर बनाएंगे यहाँ पे हम। और स्मार्ट फिल में आएंगे हम, इंटरेक्टिव फिल के अंदर मिलेगा हमें स्मार्ट फिल और यहाँ पे ड्रैग करेंगे ऐसे, इसे कर देते हैं डिलीट क्योंकि हमें इसका काम नहीं है। इसमें देंगे हम रेड कलर, रेड कलर में थोड़ा ऑरेंज मिला देंगे ताकि डार्कनेस हो जाए, केसरी कलर हो जाए हमारा। और इसमें थोड़ा हम डार्क वाइट मिलाएंगे और सबका आउटलाइन हम रिमूव करते रहेंगे और नीचे ब्लू करेंगे। यहाँ पे हमें ब्लू नहीं करना है, हम यहाँ पे ग्रीन करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसकी आउटपुट कैसा आता है। तो आउटपुट अच्छा नहीं दिख रहा है बॉर्डर का, तो हम यहाँ से हटाते हैं और इसको ग्रीन करते हैं, ग्रीन कर देंगे। और इसमें पत्ती हरा हल्का सा मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ा हम गाढ़ा कर देते हैं और थोड़ा बढ़ा लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। अब इसे हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी कर लेंगे और इसी के अंदर क्या कर देंगे, इसे हम पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे, ठीक है। अब इनसे क्या करेंगे चेक कर लेते हैं पी प्रेस करके। उसके बाद से हम करेंगे इसे कंट्रोल एक्स, और भी कर लेंगे यहाँ से ड्रैप सेट देंगे इसको। और यहाँ पे जो दिया हुआ है 50 इसको हम कर लेते हैं 100 यानी 100 और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा बैनर कंप्लीट हो चुका है। ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नए लोगों के साथ